everyone, welcome back to my channel and welcome back to the third episode of Kids Room series. आज की वीडियो में हम एक बेबी कॉट या बेबी बेड को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ स्टडी टेबल. और ये स्टडी टेबल आप किंडरगार्टन या मे बी फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड तक यूज़ कर सकते हैं. और उसके साथ ही आई एम गोइंग टू मेक अ नोटिस बोर्ड. और ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था बट मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी. एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेन फॉर द किड्स रूम. तो चलते हैं और देखते हैं कि हम ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. तो ये वो बेबी कॉट है जिसको हम स्टडी टेबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे. और इसका जो यहाँ वाला जो पोर्शन है वो सेम वैसे ही था उसकी तरह. और आपने वो मेरे एक पुरानी DIY में देखा है कि मैंने उसमें कैसे बुक्स अरेंज किए. तो ये जो है इसके तीन लेवल होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट, देन कम्स सेकेंड एंड देन कम्स थर्ड. तो मैंने सबसे ऊपर वाले लेवल पे इसको अभी फिक्स किया हुआ है. और ये हाइट बिल्कुल परफेक्ट है जैको के लिए अभी. एंड तो आप यहाँ पे प्लाई यूज़ कर सकते हैं या तो आप कोई कार्डबोर्ड रख के और उसके ऊपर उसको और स्टडी करने के लिए कुछ रख सकते हैं. मैं यहाँ पर ये ऐसे मेरे पास कुछ रखे हुए हैं, ये जैको के बचपन के हैं एंड मैं इनको यहाँ पे यूज़ करूँगी. ये कुछ स्पंजी सा सॉफ्ट है लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा स्टडी भी है. सो मैं ऐसे जो कुछ स्क्वेयर्स हैं वो मैं यहाँ पर लगाऊँगी. सो दिस इज़ रेडी, आई हैव फिक्स्ड पीस कि मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर. एंड दिस इज़ क्वाइट स्टडी, ऐसा नहीं है कि ये अंदर घुस जाएगा तो बच्चा इसमें आराम से पढ़ सकता है. बस अब हमको इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे हम, थोड़ी सी बुक्स वगैरह और बच्चे का सामान जो है वो यहाँ पर रखेंगे. एंड मैं जल्दी से वो लगाती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ. सो मैंने जैको का कुछ सामान यहाँ पे अरेंज कर दिया है और अब ये देखने में ऐसा लग रहा है. आप चाहें तो बहुत ज़्यादा सामान भी रख सकते हैं बट मैंने यहाँ पे बहुत ही कम मिनिमल सामान रखा है. बाकी सब जो है वो मैं इस बेबी कॉट के अंडर स्टोर करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड आई हैव केप्ट अ चेयर जो कि परफेक्ट है इस साइज़ के लिए. एंड यहाँ पे उसके कुछ कलर्स और पेन, उसकी पेंसिल्स, एक छोटा सा वाइट बोर्ड है टू राइट समथिंग. और ये भी कलर कर रहा था और वो भाग गया है यहाँ से कलर करते करते. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग एंड बट द लुक इज़ नॉट येट ओवर. मैं अभी आपको एक नोटिस बोर्ड लगा के दिखाऊंगी. हालांकि दिस इज़ अ टेम्प्ररी वन, आई एम गोइंग टू शिफ्ट द टेबल द अदर साइड. तो मैं आपको सिर्फ अभी नोटिस बोर्ड जो है वो ऊपर सिर्फ यू नो जस्ट टू मेक एन आइडिया मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ कि वो कैसा लगेगा. नोटिस बोर्ड जो है बट मैं इसको अभी शिफ्ट करूँगी टेबल को, अभी उसका रूम अरेंज नहीं हुआ है. तो इसको आप चाहें तो कोई भी हुक लगा करके हैंग कर सकते हैं या डबल साइडेड टेप से आप यूज़ कर सकते हैं. और इस पर मैं अभी कलर्स करूँगी जो क्लिप्स हैं उस पर. This is how it is looking now. यहाँ पे बहुत अच्छा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है. मैं उसके सारे टॉयज जो है वो यहीं पे स्टोर करूँगी. सो या दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म अ बेबी क्रिब इनटू अ स्टडी टेबल. सो टाइम फॉर द सुपर क्विक DIY. वैसे ही उतना क्विक होने नहीं वाला है. इसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड शीट, कुछ रैपिंग पेपर, एक जूट थ्रेड ऐसा, वुडन क्लॉथ क्लिप ऐसी, ये मेरे को डीमार्ट से मिला है, 18 रुपीज़ का पैक है ये, सीज़र, ग्लू, पेंसिल और एक स्केल चाहिए. हम बनाने जा रहे हैं बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड बोल सकते हो आप उसे. और इन क्लिप्स को मैं शायद इनको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए मैं शायद इनको पेंट भी करूं. तो हमें ये बुलेटिन बोर्ड बनाने के लिए ये सारा सामान चाहिए. और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ और देखते हैं कि हम ये कैसे बनाएंगे. तो हमें यहाँ पर 8 स्ट्रिप्स चाहिए. आप अपने हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं. ये मैंने यहाँ पर 8 स्ट्रिप्स ले ली हैं. अब हम 4 स्ट्रिप से पहले एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे और ये ग्लू की मदद से आप सारे हिस्से जोड़ लें और उसके बाद एक रेक्टेंगल फॉर्म करें कुछ इस तरीके से.
अब हम इसके ऊपर मेजरमेंट लेकर के हम अराउंड 4 to 5 रोप्स जो हैं वो टाइटली बांधेंगे। ये मैंने लगा दी हैं 5 रोप्स और उसके ऊपर हम फिर से वैसे ही सेम टाइप से रेक्टेंगल जो है फॉर्म करेंगे बाकी बची हुई 4 स्ट्रिप से। और मैंने यहाँ पर फ्रेम कर लिया है और अब हम पेपर काटेंगे और लंबाई के हिसाब से और उसको वहाँ पर हम उसको रैप करेंगे। अब तो आप ग्लू के मदद से उसको पेपर स्ट्रिप्स को लगा लें और अच्छे से चिपका करके फिर उसको पीछे के साइड से भी उसको चिपका लें। जहाँ पे रोप लगी है आपको वहाँ पर कट्स लगाने पड़ेंगे और कट्स लगा करके फिर आप उसको इस कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ ग्लू से आप ग्लू की मदद से आप उसे फोल्ड कर लें। और कोनों पे बहुत ही ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक गिफ्ट रैप होता है उसी तरीके से सफाई से हमें यहाँ पे कोने जो हैं उनको लगाने हैं। और ये बन के बिल्कुल तैयार है और ये देखने में इस तरीके से लग रहा है। आप इसको और बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप रस्सियाँ भी इसमें उसी हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे को ये सबसे आसान तरीका लगा। ये देखिए पीछे से भी ये बहुत ही नीट बना है। तो और आप अपनी कुछ वेरिएशन इसमें डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ अलग इसमें बना सकते हैं। सो ये बिल्कुल अब बन के तैयार है एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ऐसी और वीडियोस आगे भी देखनी है तो।